जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार मंगलवार की रात पटना के सब्जी बाग में सीएए के खिलाफ आयोजित धरना में पहुंचे। कन्हैया कुमार ने धरना में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्र की तानाशाह सरकार को हर हाल में सीएए को वापस लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून देश हित में नहीं है। कन्हैया ने कहा कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आइए जरा सुनते हैं कि कन्हैया कुमार ने और क्या क्या कहा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MU Z News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।